अभी बिल्कुल आपको बता दिया शुगर की बेस्ट वैनिटी। और अब मेरे कॉफी के लिए मैंने मग भी नया, और ये हमारी आज तो हम ऑफर का बेनिफिट कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट चैनल खोल दो ना। हमको अभी सुबह वापस से निकलना है हमारे घर के लिए, लेट हो गए हैं, 8:30 तो हो गई है, क्योंकि पापा को जाना है किसी फंक्शन में, इसीलिए तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी और वापस से चलते हैं ऋषभ देव। लेट ही हो गए उठने में, भी 8:30 हो गई है, 9 बजते में तो हमको केशव जी पहुँचना है। चेंज वेंज तो कर लिया है और अब रूम को कर देते हैं बाय बाय, और हम भी चलते हैं अब घर पे। चिगो तो नीचे चले गए और सारी चीज़ें सबमिट के रख दी हैं मैंने, और हमको जल्दी ही निकलना था पर उठने में काफ़ी लेट हो गए, थोड़ा क्विक ही करना पड़ेगा। थोड़े जल्दी में ही निकले तो मम्मी पापा को बाय करते समय शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी निकल चुके हैं। लगभग 10 मिनट में रेडी होके हम हमारे घर के लिए निकल गए, तो अब बस ऋषभ देव जाके सीधा मिलेंगे आपसे। ये सुरेश भैया सुबह सुबह हमको मिल चुके हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे बागी। कैसे है, कैसी है ठंड, कैसी है ये बताओ। आज ठंड बहुत ज्यादा थी लेकिन अभी धूप आ गई, इसलिए मैं धूप में घूम रहा हूँ, इसलिए धूप खा रहा हूँ। घर आ चुके हैं और ये भी हम घर में एंटर कर रहे हैं। ये हमारा रूम जो बिखरा पड़ा ऐसे ही छोड़ के गए थे वैसा ही है, और ये चिकू भी पीछे पीछे ओगड़ ओगड़ जैसे आ गए। अरे मैं तुमको बिल भेज रहा हूँ, चेक कर लो। तो अभी मैंने मेरे लिए वहाँ से, तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करके आए, मेरे लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, तो कॉफ़ी बना के पी लूँगी। और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था तो ये अभी चार्ज हो रहा है, जैसे दूध गर्म होता है वैसे एक बार कॉफ़ी पीते फिर दिमाग चलेगा क्योंकि ठंड ज़्यादा है। आज सुबह सुबह मैं काम छेड़ के बैठ गई हूँ, जो हमारी क्रॉकरी और हम जार्स लाए थे वो मैं एक एक वॉश कर रही हूँ और चेंज भी कर रही हूँ साथ साथ में, कुछ तो चेंज हो गए हैं। और मेरे कॉफ़ी के लिए मैंने मग भी नया मेरा निकाल दिया, जो मैं ब्लैक कलर का लाई थी। चलो कोई पूछ लेते हैं, नए मग में कॉफ़ी पीनी दी है, नए मग में कॉफ़ी पीनी दी है, है ना। मैं तो 4 सारे चेंज कर रही हूँ, थोड़े थोड़े कर लिए, एक बार शॉप पर चले जाते हैं साफ़ सफाई करवा के वापस से आ जाएंगे। और ये हमारी आज तो हम ऑप्टिमा पे जाने वाले हैं, आज मैंने ही कहा ऑप्टिमा ले लो, बाहर ही खड़ी है, साइलेंट किलर है ना। ज्योति का फोन क्या है, आ गई हूँ शॉप पर और अब साफ सफाई का काम करते हैं चालू। मैं तो सिर्फ बार बार झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू लग गया है और अब इस बॉटल से हम बाहर पानी छिड़क देंगे। अच्छा गर्म हुआ ये, पानी छिड़क देंगे। इसके अंदर पानी ख़त्म हो गया, पानी भर के लाती हूँ। तो डस्टिंग का काम हमने कर दिया है कम्प्लीटली, और अब बस ये जैसे ही ज्योति आती है हम चलते हैं। ज्योति आ चुकी है, अपन चलते हैं अब घर पर। तो चलिए, तो अभी जो हम जार्स धो के गए थे उनमें अपन सामान थोड़ा सा फिल कर देते हैं और फिर मंदिर जाना है, सो जल्दी ना लेंगे। डब्बा डब्बी सब जमा है और अभी जस्ट हुई हूँ फ्री और 11:40 हो गई है, तो अभी मुझे नहाना है फिर जाना है मंदिर। तो इसमें इन डिब्बियों में तो सारे जो भी ये इस टाइप के गर्म मसाले और रहते हैं वो सारे भरे हैं, ये सारे डिब्बों में भरे हैं सारे मसाले। अभी तक तो ये बड़े वाले डिब्बों में दालें भरनी बाकी हैं, पर इसमें शक्कर चाय पत्ती वगैरह हमने भर दी है, और ये रेगुलर 4 प्लेटें 4 कटोरियाँ निकाल दी हैं, काम चल ही रहा है। और भी कुछ ज़रूरतें लगेगी तो निकाल देंगे। और अभी मैं नहा ही लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गया, खाना वगैरह सब हो गया, अब सीधा चलते हैं शॉप पर। और बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी इसलिए मैंने बताया अभी नहीं, 2 तो बजी गई है और अभी तक कुछ, आज तो मंदिर भी नहीं जा पाई, हो सकता है तो अभी मंदिर जा चली जाऊँगी।
आज तो बहुत लेट दर्शन करने आए थे, पर लेट दर्शन करने का भी मजा कुछ और ही है। तो अब जा रहे हैं शॉप पर। मैंने सोचा यार भले लेट तो लेट पर मंदिर तो जाना ही है, नहीं तो रूटीन टूट जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। अब चलते हैं शॉप पर, 2 बज गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। शॉप पर आ गए हैं, शॉप पर आए इसके बाद कस्टमर्स थे तो कस्टमर्स को हैंडल किया, और ऑफ़र का बेनिफिट कुछ लोग उठा रहे हैं कुछ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हीं को हम जागरूक करने के लिए व्लॉग में साथ साथ में बता भी रहे। तो ऑफ़र है, शॉप पर आओगे तो ही पता चलेगा, इसलिए ताकि आप शॉप पर आके पता कर पाओगे क्या क्या ऑफ़र चल रहा है, और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। मैं कुछ कुछ ऑफ़र्स बता दूँ और कुछ बता ही नहीं पाऊँ, तो आके पता करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। आप जा रहे हो? ओके बाय। तो अभी बस यही ऑफ़र्स चल रहे हैं एंड मैं भी साथ साथ में काम कर रही हूँ। अभी काम क्या याद आया वापस कर। मैं आज शॉप पर बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपकमिंग ब्राइड और अपकमिंग ग्रूम्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ बताई जाए। तो ब्राइड के लिए तो है ही अच्छी और ग्रूम्स के लिए बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, रुकिए बताती हूँ। अभी मैं शुगर पे वीडियो बनाने का सोच रही थी, पर इतने में आ गए कस्टमर तो वीडियो हो गई है डिले, शाम को बनाएंगे। अभी कस्टमर का काम है वो कर देते हैं। अपकमिंग ब्राइड और अपकमिंग ग्रूम के लिए मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट पैक। ब्राइड्स के लिए है बहुत ही अच्छी एक मेकअप की वैनिटी, और ग्रूम्स के लिए है अपनी वाइफ अपने फियांस को देने के लिए बहुत ही अच्छी वैनिटी गिफ्ट। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वो है शुगर की कंप्लीट वैनिटी मैंने बनाई है, जो कि एकदम वैल्यू फॉर मनी है, और इसके अंदर सारे प्रोडक्ट आपको मेकअप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और एकदम बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट मैंने इस वैनिटी में रखे हैं। तो अनबॉक्स करते हैं इसको। फर्स्ट आपको ये मॉइस्चराइजर दिख ही रहा होगा, जो कि सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर है, और ये स्किन को प्रेप करने के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। मेकअप से पहले जो हमें स्किन केयर के लिए अच्छा एक मॉइस्चराइजर चाहिए, बिल्कुल वही मॉइस्चराइजर ये है इसमें। और सेकंड हम आ जाते हैं हमारे प्राइमर के ऊपर। आपको ऊपर दिख ही रहा होगा अल्कोहलिक प्राइमर मॉइस्चराइज़र। अब इसमें 2 चीज़ें इकट्ठी हैं, प्राइमिंग भी करेगा हमारे फेस को और मॉइस्चराइज भी है। तो मॉइस्चराइज रहेगा जिससे हमारा जो बेस है वो क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, और बहुत ही अच्छी एक स्मूथ लेयर क्रिएट होगी। तो बिल्कुल वही मॉइस्चराइज़र है जो आपको मेकअप से पहले करना है। ये हमारा मॉइस्चराइज़र मेन हो गया स्किन केयर का, और ये हमारा प्राइमर हो गया। और अब आ जाते हैं हम हमारे फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 24 आवर स्टे फाउंडेशन, जो कि है रेज ऑफ कवरेज शुगर का, और इसका कवरेज फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। और ये मैं आपको आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट दे दूँगी, जो कि आपके फेस को और फ्लॉलेस लगाएगा। और सेकेंड आ जाता है हमारा कंसीलर, जो हमारे फेस के ब्रेकआउट्स हैं, इसके बाद डार्क सर्कल्स हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए कंसीलर मैन काम करेगा। तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। और अब ये इतना सब लगाया है तो इसको सेट करने के लिए हमको चाहिएगा कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि है SPF के साथ। यानी हमारा मेकअप है वो दिन में भी बहुत अच्छा स्टे करने वाला है, धूप से भी कोई ग्रेनेस नहीं आएगी। फिर आ जाता है हमारा सेटिंग मिस्ट। सेटिंग मिस्ट जो होता है वो हमारे पूरे मेकअप को अनइवन होता है ना, उसको सेट करने में काम आता है, और उस मेकअप को फिक्स कर देता है, जो कि हमारे फेस पर पूरा दिन चलता रहता है, और हमारा फेस जो है वो केकी ना दिखे, फ्लॉलेस दिखे, एकदम स्किन को चिपका हुआ रहे मेकअप, उसके लिए काम आता है। अभी तक तो आधी ही वैनिटी बताई है, और आधी वैनिटी में ही आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिल गई है। और इसके ऊपर आया है बम्पर धमाका, और वो आपको धमाका और ऑफर शॉप पर आने पर ही पता चलेगा, मैं मेरे ब्लॉग में नहीं बताने वाली हूँ। और आपको इससे जो बेनिफिट और हो सकता है, और ये चीज़ें आपके हिसाब से कस्टमाइज होगी अगर आपको करवानी है तो, और मैं मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगी ही, पर आपके हिसाब से और आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और अच्छे से अच्छे वैनिटी बनाने के लिए ही मैं आपके लिए यहाँ बैठी हूँ। तो अब नेक्स्ट आ जाइए प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद आ जाती है हमारी आइस की बारी, और आइस की बारी के लिए हमने बहुत ही अच्छा एक आई मेकअप आई शेडो पैलेट यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, जो कि आपका सब में काम आने वाला है, जिसमें सारे न्यूड्स एंड गोल्डन शिमरी कलर्स हैं।
जो कि आपके सारे शिमरी और न्यूड कलर्स हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और एकदम नेचुरल लुक देते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी आईलाइनर की बारी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, 24 आवर्स स्टे ग्लोस ब्लोस आईलाइनर, जो कि लिक्विड है। और इसके अंदर अगर आपको लिक्विड नहीं पसंद है तो आपको हम मार्कर वाली भी अवेलेबल करवा देंगे, पर मैंने इस वैनिटी में लिक्विड आईलाइनर रख रखी है क्योंकि ये बहुत जनों को कम्फर्टेबल लगती है इसलिए। और इसका स्टे भी 24 आवर्स है। और इसका जो नोज़ल है वो एकदम हार्ड है, आपका शेप जो आप बनाना चाहते हो वही बनेगा। और फिर आ जाती है काजल की बारी, तो ये है काजल, ये भी 24 आवर्स स्टे करेगी और वाटरप्रूफ काजल है। और इसके साथ में ही शुगर ने दे रखा है शार्पनर, जो कि आपको ये काजल यूज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और लगा लगा के ख़त्म होगी तो छीलने के लिए भी तो काम आएगा ना। और फिर आ जाता है, सबका मेकअप कर रहे हैं तो लैशेस को क्यों छोड़े, तो लैशेस के लिए है हमारे पास मस्करा, जो कि है लैश मॉम लिमिटलेस मस्कारा, जो हमारे लैशेस को और ज़्यादा वॉल्यूमनाइज दिखाएगा और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनाइज यानी घनी गहरी और लंबी लंबी दिखाएगा और एकदम कर्ल भी करेगा। साथ में आप अगर कर्लर भी यूज़ करते हो तो मस्करा पे चार चांद लग जाएंगे। और फिर आ जाती है फेस की बारी, हमने फेस पर एकदम प्लेन कैनवस तो रेडी कर दिया, पर फेस के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमको फेस पैलेट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि है शुगर की फेस पैलेट। और ये मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि ये सब तीनों प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं, पर मैं आपको स्पेशली इसके लिए वैल्यू फॉर मनी वाली मैं आपको वैनिटी बना के बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताऊँगी आपका जो खर्चा है वो कम हो, प्लस आपका एक में ही सारा काम हो जाए। तो ये 3-in-1 है। अब इसके अंदर आप आ जाइए, फेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रॉन्जर दे रखा है, हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर दे रखा है, और ब्लश करने के लिए ब्लशर दे रखा है। और तीनों के कलर काफ़ी अच्छे हैं, जो कि आपके सभी आउटफिट के ऊपर परफेक्ट जाने वाले हैं, देख के भी मज़ा आ रहा होगा काफ़ी। और जल्दी जल्दी शॉपिंग करने आ जाओ, ये ऑफ़र काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है। अब ये वैनिटी तो होगी कम्प्लीट, और हमको फिर आइज़ को क्लोज करके वापस एक बार लगा देना है मेकअप फिक्सर, वो मैं एक एडवाइस दे रही हूँ, बाकी मैंने आपको प्रोडक्ट्स सारे बता दिए हैं। अब इस वैनिटी में एक एक मैं आपको प्रोडक्ट रख भी देती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इसका वैनिटी कितने प्राइस तक है एक बार थोड़ा सा एस्टिमेट दे देती हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो उस हिसाब से कस्टमाइज़ भी हो जाएगी। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली होगी तो आपको एक चीज़ तो याद आ ही गई होगी कि इसके अंदर लिप बाम और लिपस्टिक मैंने नहीं रखी है। लिप बाम भी हमारे पास अलग अलग वैरायटीज़ की हैं, शुगर की भी है और बाकी ब्रांड्स की भी है, आप जिसमें भी जाना चाहो आपकी इच्छा है। और लिपस्टिक के तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो आप आपकी मर्ज़ी की लिपस्टिक्स रखवा सकते हो वैनिटी में, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर शेड नहीं दिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके बिल्कुल शॉपिंग कीजिए। वैनिटी को भर देते हैं, बिल्कुल इस वैनिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं, बट मैंने ये वैनिटी बिगनर्स के लिए बनाई है। बिगनर्स के लिए तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, पर एकदम मैंने बहुत कम बजट की बनाई है, प्लस साथ ही साथ ब्राइड्स के लिए जो परमानेंट चीज़ें यूज़ में आती है उसके लिए बनाया, बाकी मेकअप में तो इतनी ज़्यादा रेंज है और शुगर में भी काफ़ी रेंज है, पर मैंने बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आपके लिए इतनी अच्छी वैनिटी बनाई है, तो मस्ट ट्राई दिस। ये वैनिटी आपको पड़ेगी 7500 के अंडर, और इसके बाद आप इसमें लिपस्टिक वगैरह और भी चीज़ें ऐड करवाते हो तो आपके हिसाब से ये वैनिटी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। और ये आपको वैनिटी शुगर की तरफ से साथ में मिलेगी, क्योंकि आप इतने प्रोडक्ट्स बाय करोगे तो हमारा भी फ़र्ज़ है, शुगर का भी फ़र्ज़ है आपको रखने के लिए बहुत ही सुंदर एक हम डब्बा दें। बिल्कुल ये वही आपके लिए जादू ही पिटारा है जिसमें आपका फेस एकदम चेंज हो जाने वाला है। और ऑफ़र के बारे में तो आपको मैं व्लॉग में नहीं बताने वाली हूँ, आपको बेस्ट ऑफ़र शॉप पे आने के बाद ही मिलेंगे। अभी बिल्कुल आपको बता दिया शुगर की बेस्ट वैनिटी, और अब हम मंगल करके जा रहे हैं घर पे, और मेरी थोड़ी सी तबीयत है ख़राब, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा लो फील करी। अच्छा ये लाइट बंग करी रह गई है, जो मेरे फेस पर आ रही है वो ये वाली लाइट है, जो कि हम चिकू ने एक्स्ट्रा क्या कहते हैं इसको हाईलाइटिंग लाइट लगवाई थी, जो कि परफ्यूम्स वगैरह को एकदम अलग ही हाईलाइट करती है। बिल्कुल आपको देख ही रहे होंगे अलग ही हाईलाइट,
अभी मैं को कौन आ गई हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, कमर भी तो सीधी करूँ, पूरा दिन थक जाती हूँ इसलिए थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए रेस्ट करूँगी। एंड देन फिर चू शायद बोल रहे आज तो होटल जाएंगे खाना खाने के लिए, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ, अब जा रहे हैं हम होटल। चिकू तो चले गए गाड़ी में, हो रही है हमारी कार। बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, मुझे तो पता ही नहीं था आप सीधा निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। कार में आ गई हूँ और चिकू ने मेरे को दी है स्नीकर्स और अभी मैं खाऊंगी एंड देन खाना खाने के लिए जा ही रहे हैं। होटल आ चुके हैं, अब जाएंगे अंदर हम खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद मिलते हैं। खाना खा लिया है और घर के लिए पार्सल भी ले लिया है, पार्सल मैं यहाँ रख देती हूँ। और मेरे लिए मस्त चॉकलेट मेरा कोन आ गया है, भले थोड़ा सा खांसी है पर चलेगा। आ गए हैं खाना खा के घर पर और बस यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। बाय।